जय गुरुदेव। सकारात्मक सोच, हम चाहते हैं कि हम सकारात्मक रहें, हमारे आसपास के लोग भी सकारात्मक रहें, अच्छे अच्छे विचार हो हमारे अंदर। लेकिन जब भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है ना, जब भी कुछ समय खराब होता है ना, जैसे अभी चल रहा है, तब आप देखना कि हम नहीं चाहते, हम रोकते हैं, हमारा जरा भी इच्छा नहीं है, फिर भी नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं। आज समझते हैं कि नकारात्मक सोच को बंद कैसे किया जाए, मूल से कैसे उड़ाया जाए। सबसे पहले समझते हैं सकारात्मक विचार माने क्या और नकारात्मक विचार माने क्या, उसकी व्याख्या क्या है। सकारात्मक विचार माने जिस विचार के बाद मन स्थिर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, सहज और सरल हो जाए, वो एक सकारात्मक विचार या सोच है। और जिस विचार के आने के बाद मन हिल जाए, डिस्टर्ब हो जाए, विचलित हो जाए, गुस्सा हो जाए, भय या डर पैदा हो जाए, ये नकारात्मक सोच है। कैसे इसको रोके, कैसे इसको दूर करें हमारे अस्तित्व से, तो उसके मूल में जाना पड़ेगा। जैसे शरीर को हम देखें तो शरीर के अंदर रोगों को लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें एक शक्ति दिया है जिसका नाम है रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है ना, उसका मूल आधार क्या है, आपके अंदर गया हुआ खाना। इसलिए शायद जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सीधा पूछते हैं आपने खाना क्या खाया था, या फिर वो तुरंत हमारा खाना या तो बदलते हैं, हाँ, या तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं, माने शरीर, उसके भीतर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति और उसका मूल रॉ मटेरियल है खाना। सेम वे मन, मन के अंदर विचार और विचार से नीचे उस विचार को उत्पत्ति करने वाला रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल को बदला जाए ना, तो डेफिनेटली विचार बदल सकते हैं, डेफिनेटली सोच बदल सकती है। एग्जाम्पल, एक जगह आप कूड़ा कचरा जलाएं, उसमें टायर, ट्यूब्स, रबर, प्लास्टिक जलाएं, तो कैसा धुआं आएगा। एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे आप धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, तो कैसा धुआं आएगा, है ना। एक आपको इरिटेट करता है और एक आपको शांत सुगंधित करता है। अगर सुगंधित होना चाहते हो, जीवन को सुगंधित करना चाहते हो, रॉ मटेरियल बदल दे। समझते हैं रॉ मटेरियल क्या है, कौन सा रॉ मटेरियल हमारे विचारों को उत्पन्न करता है। बहुत सरल और सिंपल है, इंफॉर्मेशन। हम जो इंफॉर्मेशन दे लेते हैं हमारे अस्तित्व के अंदर, वही हमारे विचारों के रूप में फिर बाहर आता है। इंफॉर्मेशन माने जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, यही इंफॉर्मेशन है और यही फिर विचारों के साथ बाहर आता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोला, उसमें एक इंफॉर्मेशन देखा आपने कि किसी यंगस्टर ने फास्ट गाड़ी चलाया, उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ और उसका स्पॉट पे ही डेथ हो गया। फिर कुछ दिन बाद फिर से ऐसा एक न्यूज पढ़ा, फिर से एक न्यूज, हजारों बार आपने ये न्यूज बार बार पढ़ा, यंगस्टर, एक्सीडेंट, डेथ, फास्ट ड्राइविंग, ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर बहुत गहराई से चला गया। एक दिन क्या हुआ, आपका बेटा ऑफिस से लेट आया, बहुत टाइम हो गया, आपने फोन लगाया, फोन रीचेबल नहीं था। हाँ, जैसे ही फोन नहीं लगा, बात नहीं हुआ ना, आपके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आपके विचारों के साथ बाहर आती है, फिर से एक्सीडेंट, फिर से डेथ, और फिर वो चिंता, डर, भय, ये सारी भावनाएं शुरू हो जाती है। सो जो आप अपने अंदर लेते हैं ना, विचारों के साथ वही बाहर आता है। सो यू डिसाइड, अगर आपको अपने जीवन में नकारात्मक सोच चाहिए तो वही रबर, प्लास्टिक, हाँ, कचरा, कूड़ा, ये रॉ मटेरियल अगर होगा तो आपकी सोच भी ऐसी ही आएगी। अगर आप नकारात्मक सोच को बंद कर देना चाहते हैं, उससे ऊपर उठ जाना चाहते हैं, तो आपको अपना रॉ मटेरियल सुधारना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं ना, इट शुड बी प्योर,
वो एकदम प्योर पवित्र होना चाहिए, वो शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, वो आपके मन को ज्यादा स्थिर करने वाला होना चाहिए, वो आपको और ज्यादा खुश करने वाला होना चाहिए, आनंदित करना होना चाहिए। सो नकारात्मक सोच को बंद कीजिए उसके रॉ मटेरियल को बंद करने से, और सकारात्मक सोच को और ज्यादा बड़ा और एस्टैब्लिश कीजिए। जैसे हम पेड़ को खाद डालते हैं और वो हरा भरा होता है, ऐसे ही सकारात्मक सोच को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके अंदर इंफॉर्मेशन, सकारात्मक शक्तिशाली डाले, प्योर डाले, पवित्र डाले, और फिर देखिए एक भी नकारात्मक विचार आपको आ नहीं सकता। जय गुरुदेव।